दोस्तों रामायण तो आप सभी ने सुनी और देखी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो लोगों के जहन में बार बार उठता है वो ये कि रामायण में आखिर रावण के वध के बाद रावण की बहन सूर्पणखा का क्या हुआ, आखिर कहाँ चली गई थी सूर्पणखा। इसका रहस्य आज लोकल जर्नी के इस वीडियो में हम उठाने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आखिर रावण के वध के बाद उसकी बहन सूर्पणखा कहाँ चली गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद यादव और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना और साथ में रोजाना नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियो जो अपलोड होंगे वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन रावण की बहन सूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। रावण वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया था, लेकिन सूर्पणखा का वध नहीं हुआ था, उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। इस घटना के अलावा सूर्पणखा का जिक्र कहीं पर नहीं मिलता है। दोस्तों आपको वह घटना तो याद होगी जब भगवान श्री राम के वनवास के दौरान सूर्पणखा उनके पास जाती है और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने सूर्पणखा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। आपको यह भी याद होगा कि विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद सूर्पणखा ने सीता जी पर हमला बोल दिया था और इस पर वहां पर मौजूद लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा का नाक और कान काट दिए थे। नाक और कान कट जाने के बाद सूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपाकर रहती थी। दोस्तों रामायण में रावण की मृत्यु के पश्चात रावण की बहन सूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी थी। राक्षसों का वंश समाप्त ना हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की घोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान के स्वरूप भगवान शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को दे दिया। शिवलिंग देकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य से कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने आत्मलिंग को वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। दोस्तों वह जगह आज अरब देश में काबा के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्पणखा जो उस समय नाक और कान कट जाने से अपना चेहरा ढककर रखती थी ने अपना शेष जीवन वहीं पर बिताया और उसकी उस परंपरा को उसके बच्चों ने पूरी तरह से निभाया और आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है। उस परंपरा की संवाहक महिलाएं चेहरा ढककर रहती हैं। सूर्पणखा के वंशज कालांतर में अब्राहिक धर्म के अनुयायी हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों के जीवन दान फल स्वरूप वो अनुयायी शुक्रवार के दिन को विशेष महत्व देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी जनश्रुतियों पर आधारित है, मैं इसकी सत्यता या प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कालांतर से चली आ रही जनश्रुतियों में जो बताया गया है वो आज भी काबा में होता है। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है, क्योंकि आज भी काबा में दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। आपकी इसके बारे में क्या राय है दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।